गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है केस स्टडी ऑन प्रोडक्शन सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये केस स्टडी जो है वो सोलर पावर पर बेस्ड है। ठीक है, तो प्रोडक्शन सिस्टम के साथ रिलेटेड है तो वो करेंगे हम। तो जो अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है, वो फर्स्ट सोलर जो है वो किस फील्ड में ज़्यादा लीड करता था, वो था थिन फिल्म फोटोवोल्टिक सेल, सोलर सेल्स। ठीक है, इसमें एक अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है, जो इसमें ज़्यादा लीड करती थी इस एरिया में, थिन फिल्म फोटोवोल्टिक सोलर सेल्स। तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मार्च 2010 में कि वो प्रोवाइड करेंगे बिगेस्ट फोटोवोल्टिक फर्म्स, ठीक है जी, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फोटोवोल्टिक क्या होता है कि जो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फोटोवोल्टिक का मतलब ये होता है कि जो लाइट होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। तो जो फर्म है वो इतनी एबल थी कि वो जो 160,000 घर थे उनकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को 550 के साथ, मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसको मीट कर सकती थी, इतनी एबल थी वो। ठीक है, तो फर्स्ट सोलर जो है वो एबल था कि वो पोजीशन अपनी मार्केट में पोजीशन बना रखे इन दी फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है जी, जिसमें 5 ईयर्स जब वो स्टार्ट हुआ था, बिगिनिंग के 5 ईयर्स प्रोडक्शन सिस्टम में उन्होंने अपनी जगह बनाई, और प्रोग्रेसिव थी उनकी टेक्नोलॉजी, है ना, जो अनेबल थी कि फर्म जो है वो मेजर पोजीशन जो है पूरी मार्केट में अपनी मेजर पोजीशन जो है वो बनाकर रखे एज अ कॉस्ट लीडर, की कम कॉस्ट आए ग्लोबली। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल सोलर सेल की फील्ड में कि उनकी कॉस्ट भी कम आई, उन्होंने मेजर अपनी पोजीशन बनाकर रखी थी। ठीक है, तो इससे क्या होता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लेस देन $1 थी पर वॉट, पर वॉट, है ना, कि बहुत कम कॉस्ट थी उनकी। ये कॉस्ट कैसे कम थी, क्योंकि वो इकोनॉमिकल कैडमियम टेलुराइड अपने उसमें यूज़ करते थे, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन की जगह। ठीक है, जो वो यूज़ करते थे अपने अपने उसमें सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स में। ठीक है, तो अकम्पलिशमेंट ऑफ फर्स्ट सोलर वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, कि जो अकम्पलिशमेंट थी फर्स्ट सोलर को चलाना वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट ना करती। ठीक है, वो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्राइमरी पार्टनर बनकर एक्ट किया फोटोवोल्टिक को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो फेडरल जो गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंटली प्ले अपना उन्होंने रोल प्ले किया डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए बाय एक्टिंग एज अ प्रीलिमिनरी कस्टमर। ठीक है, एक प्रीलिमिनरी, एक स्टार्टिंग कस्टमर, पहले के कस्टमर वो बने। ठीक है, 20th सेंचुरी के मिडल में। तो द फर्स्ट द प्राइस ऑफ द सोलर पीवी वाज वेरी हाई फॉर मैक्सिमम पर्पसेस। तो जो प्राइस था सोलर का वो बहुत ही ज़्यादा था। इसलिए क्या था कि जो मेकर्स थे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, उन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग मार्केटिंग प्लेस है वो कहीं और देखी। लेटर ऑन, ठीक है, सेगमेंट ऑफ मार्केट नोन एज एरोस्पेस, ठीक है, एक मार्केट का सेगमेंट जिसको हम एरोस्पेस बोलते हैं, वहाँ आइडेंटिफाइड किया गया, है ना, पीवी जो हमारे फोटोवोल्टिक सोलर सिस्टम थे उनका यूज़ आइडेंटिफाइड किया गया, जो एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस था। यहाँ पर कॉस्ट जो थी वो कम आ रही थी, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस था। तो जो यूएस की आर्मी है, एयरफोर्स है, वो अपने अंडरकवर मिशन के लिए जो वो ऑर्बिटिंग सेटेलाइट्स पर करते थे, वहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी है उसको परफेक्ट सोर्स ऑफ पावर माना गया यूएस की आर्मी एंड एयरफोर्स के मिशंस पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, हॉफमैन इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, है ना, को कॉन्ट्रैक्ट मिला गवर्नमेंट के द्वारा कि वो सोलर सेल्स को अवेलेबल कराएं, है ना, न्यू एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम ऑफ स्पेस, न्यू एक्सप्लोरेशन करके। फिर उन्होंने 1958 में लॉन्च किया एक फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसको वैनगार्ड आई बोलते थे। उसने दोनों की जगह ली, केमिकल बैटरीज की भी और सिलिकॉन सोलर सेल्स की, दोनों की उसने जगह ले ली, दोनों ही इन्वॉल्व होती थी उसमें। जो केमिकल बैटरीज होती थी वो सिर्फ एक
वीक तक की ही उनकी लाइफ होती थी, इतनी ही चलती थी। बट जो पीवी सेल्स होते थे वो रेडियोज़ की हेल्प से, है ना, वो सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते थे बहुत ही ईयर्स के लिए, है ना, 1-2 ईयर्स के लिए वो काम कर सकते थे एज़ कम्पेयर टू केमिकल बैटरीज। ठीक है, तो केमिकल बैटरी सिर्फ वीक के लिए होती थी। तो 1965 में नासा हैज़ बीन यूजिंग अबाउट मिलियन सोलर पीवी सेल्स की। 1965 तक जो नासा थे उसने बहुत सारे मिलियन सोलर पावर, जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल है, उसको यूज़ किया। तो हाई डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड प्रीलिमिनरी रिसर्च सपोर्ट रिजल्टेड इन द बिगनिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लेड टू इट्स इन्हांस्ड सक्सेस। ठीक है, हाई डिमांड, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से और प्रीलिमिनरी रिसर्च सपोर्ट की वजह से जो कॉस्ट है वो डाउन हो गई, है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इसकी डाउन हो गई, और इसकी हाँ वजह से उनका सक्सेस जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये एक केस स्टडी थी प्रोडक्शन सिस्टम के रिलेटेड, कि उन्होंने क्या कौन कौन सी टेक्निक यूज की अपने प्रोडक्शन सिस्टम में जिसकी वजह से उनको कॉस्ट इफेक्टिवनेस अचीव हुई और उसके बाद वो सक्सेस उनको अचीव हुआ। ठीक है, तो अगर आपको इस केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ समझ नहीं आएगा, तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना है। थैंक यू क्लास।